हेलो वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्या, देखिए यहां पर ये नाम लिखा हुआ है और ये एक ही नाम नहीं है, इस तरह से कई नाम लिखे गए हैं। पहले में देखिए फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, दूसरे में फर्स्ट नेम है और ये मिडिल नेम है, और फिर तीसरे में केवल फर्स्ट नेम है, और चौथे में देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और पांचवे में भी कुछ ऐसा ही है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे एक्सेल में हम किया करते थे, आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्सर को रख लेता हूँ, ठीक है। एक्सेल में भी आपको यही सेम मिल जाएगा, सेम यही चीज एक्सेल में भी मिलती है। तो यहाँ पर कर्सर को रखने के बाद आपको करना क्या है, डेटा टाइप पे जाना है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, इसी को करना है, तो इस पर क्लिक करके तब ये डेटा टाइप पे क्लिक कीजिएगा, और फिर नीचे जब आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम। ये टेक्स्ट टू कॉलम कब हाईलाइट होगा, जबकि आप रिलेटेड डेटा पर क्लिक रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक रखा है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो फिर अगर डेटा टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम आपको हाईलाइट होता हुआ सा नहीं नजर आएगा। तो अभी इस पर क्लिक कर दीजिए और चले जाइए डेटा टाइप पर, और डेटा टाइप पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाइए। जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं। अब चूंकि मैंने बीच में स्पेसेस लगाए हुए हैं, तो ये स्पेस के हिसाब से, यानी स्पेस इज अ काइंड ऑफ डिलिमिटर फॉर दिस सेक्शन। अब ये पूरा सेक्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए स्पेस ही डिलिमिटर है। अगर आप कॉमा के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कॉमा पर टिक कर दें, ठीक है, या कुछ और करना चाहते हैं तो अदर का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओके पर करना है क्लिक, तो हो जाएगा ये जादू। ये अगर आप सबको एक साथ लेके आना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सबको एक ही बार में सेलेक्ट कीजिए, बार बार करने की जरूरत नहीं, सबको एक बार में सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा इसको और पर सीधे चलिए डेटा टाइप में, और डेटा टाइप में जाने के बाद ये तो आपको दिखेगा ही, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, बस कर दीजिए ओके, काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर ओके कर दीजिए तो ये देखिए जिस हिसाब से जो दिया गया था उस हिसाब से वो अलग अलग सेपरेट कॉलम में ये आ गया है। तो ये बहुत ईजी है और ये लीब्रा कैल्क में कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।